अब घर पे शादी है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कार्ड बांटना, तो हम लोग अभी जा रहे हैं कार्ड बांटने। यहाँ पे सिस्टम ऐसा रहता है, चाहे 100 घर हो या 200 घर, हर घर में आपको हाथों हाथ कार्ड बांटना पड़ता है। हाथों हाथ जब तक घर पे जाके कार्ड नहीं देते, इनविटेशन को कबूल नहीं करते, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है एंड उस काम में आज लगे हुए हम। सो फाइनली अब तक 146 घर कंप्लीट हो चुके हैं। स्पेशली हर घर जाके जो इनविटेशन देने का काम ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया है, बाकी काम लोग कल कैरी ऑन करेंगे। जी तो कार्ड्स का काम कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे साफा लेने, साफा मतलब जो पगड़ी बोलते हैं, टर्बन, वो लेने के लिए। चलो जी ये काम भी कंप्लीट हो गया। सो फाइनली धूप दिख रही है, ठंडी में धूप। हे रॉकी, ये जो का पोलियो का तो कुछ अन्य भाई कौन है यू? हाँ, किस पे अटैक करूँ बोलो, कौन है? बोलो कौन है? मैं हूँ शिकारी, खाली मेरा वार नहीं जाता। बम है रॉकी ना, ये नहीं अन्नो कौन बीजू है रॉकी? हम ठीक ही हो रॉकी, रॉकी रॉकी नहीं बोले, नहीं सुनेगा ही नहीं। ठीक हो रॉकी? हम लोग जालोर आए एंड यहाँ पे मेरे भाई ने बताया कि एक जगह पे दाल पकवान बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं। तो हम लोग अभी उस स्टॉल पे जाएंगे एंड ट्राई करेंगे कि यहाँ की दाल पकवान वाकई में कितनी अच्छी है। भाई Yes. आपने जो दाल पकवान का स्टोर के बारे में बताया वो वाकई में सबसे अच्छी है यहाँ की? रियली इट्स ग्रेट यार। क्यों अच्छी लगी? यहाँ के हिसाब से अच्छा लगा मुझे। तो चलते हैं और ट्राई करते हैं, लेट्स सी कैसा है यहाँ का दाल पकवान का टेस्ट। दाल पकवान हमने ट्राई कर लिया, वाकई में बहुत ही बढ़िया डिश थी ये। एक्चुअली सिंधी लोगों की डिश है जो ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर अक्सर यूज़ करते हैं। आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आप जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ की जो स्पेशल डिशेस है ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि वो फेमस इसलिए होती है कि कुछ ना कुछ उस डिश में खासियत होती है। फिलहाल तो हमने ये एक डिश ट्राई की, आगे पता नहीं इस जर्नी में क्या क्या ट्राई करेंगे, जो भी ट्राई करेंगे आपको दिखाते रहूँगा ब्लॉग में। फिलहाल यहाँ से आगे एक और काम है तो निकलते हैं फटाफट, इससे पहले कि धूप ज़्यादा बढ़ जाए। वैसे जैकेट पहन के निकला हूँ मैं क्योंकि सुबह बहुत ही ठंडी थी, बट इसको फिलहाल उतारना होगा। कितना साल थे आपने दुकान पे? तीसरी पीढ़ी है। तो इसके बाद हम जालोर में पहुंचे फेमस पानीपुरी ट्राई करने। वैसे सिंपल थी विदाउट स्टफिंग, बट टेस्टी थी। और आगे ब्लॉग्स में हम और भी बहुत कुछ ट्राई करने वाले, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड मजेदार ब्लॉग्स आने वाले। बहुत मजेदार है। तो आफ्टर 8 hours back to home, fully tired.